एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। 20 साल से जल भराव की समस्या, ग्रामीण परेशान। ये मामला आगरा शहर के ग्रामीण क्षेत्र का है। यहाँ अजीतपुर गांव में 20 सालों से जल भराव की समस्या चली आ रही है, मगर अब तक शासन प्रशासन ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इमरान खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खान जी, क्या मामला है? डोगरा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गांव है आगरा के अंदर अजीतपुर दूरा गांव है, उसका नाम ऊदा का नगला है। वहाँ पे जल भराव की काफी समस्या है। बताते हैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं, वो बताते हैं कि यहाँ 20 साल से ऐसी पानी की समस्या है जो अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। और ऐसा ही मामला आज देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल भी है, जो सरकारी स्कूल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वो पूरा पानी से जल भराव उसके अंदर हो गया है, जलमग्न जिसको बोलते हैं, जलमग्न हो गया है। और बच्चे जो है यहाँ के वो शिक्षा से इतने वंचित है कि यहाँ पे 9 जुलाई को वो स्कूल अभी तक नहीं खुला है, क्योंकि वहाँ जलभराव की समस्या काफी है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो घरों में जो समर सेबल का जो पानी है वो इतना दूषित है, क्योंकि जो वहाँ पानी जो जलभराव हुआ है वो पानी की सीवर लाइन या कहीं उससे टच हो गई है, और जो समर सेबल के अंदर में जो पानी आ रहा है उसमें वो इतनी दूषित है कि वो यहाँ के जो नागरिक है वो पीने से, यानी वो समझते हैं, वो कहते हैं कि इससे तो हम जहर पीने। तो ऐसा देखने को यहाँ मिल रहा है इमरान जी, यहाँ पर जितना समर सेबल का पानी वहाँ पर लोग अपने घरों में यूज करते हैं, उसमें भी इस तरह से सोत एक ही मिल चुकी है और एक भयानक बदबू जैसा पानी यहाँ पर एक तरह से जहर पीने को मजबूर है अजीतपुर गांव के लोग। और यहाँ पर शासन प्रशासन आखिर क्यों गौर नहीं कर रहा है? मैंने जब यहाँ ग्रामीणों से पता किया तो ग्रामीण बोल रहे थे कि यहाँ से हम पलायन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहने से तो ठीक है कि हम कहीं और जाकर रह लें, क्योंकि यहाँ इतना दूषित पानी है। और ग्रामीण इतने परेशान है, बोलते हैं कि हम कपड़े नहीं धो पाते, प्लस यहाँ कपड़े धोने के अलावा वो नहा नहीं सकते, और पानी की समस्या काफी समय से चली आ रही है, उनका कहना भी है। सर्वे किया कवरेज के दौरान, आपको कितने वहाँ पर कितनी आबादी है उस गाँव में, कितने लोग अभी वहाँ गुजर कर रहे हैं? गांव की तो आबादी काफी बड़ी है, मगर जो पानी की समस्या है वो कम से कम 1 से 2 बस्ती के लमसम में समस्या आ रही है, जो जिन लोगों के यहाँ पे पानी बिल्कुल जहर, पानी क्या वो जहर उगल रहा है, ठीक है ना। और हमने जब इस मुद्दे पे बात की तो उनसे पूछा कि भाई आपने शिकायत की, तो उन्होंने बोला कि भाई काफी समय से और काफी बार हम शिकायत भी कर चुके हैं, मगर आज तक वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, एक अभी बता रहे थे वहाँ पर विद्यालय भी नहीं खुल रहे हैं, जिसमें बच्चे भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब ग्रामीणों से इस बारे में बात की गई तो वहाँ के लोगों ने बताया कि शिक्षा से जो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं वो पूरी तरीके से भय हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पानी इतना भरा हुआ है कि बच्चा जाने को तैयार ही नहीं है, और बच्चे के अलावा अध्यापक भी वहाँ मौजूदगी में कोई नहीं दिखा वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए।